ठीक है, तो असाइनमेंट नंबर 8 के डाउट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 है, अ बॉडी ऑफ मास एम हंग एट वन एंड ऑफ द स्प्रिंग एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब पीरियोडिक मोशन है। प्रूव दैट रिलेशन टी इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन के इज इनकरेक्ट, वेयर के इज नोन एज फोर्स कॉन्स्टेंट। जो फोर्स कॉन्स्टेंट होता है उसका फॉर्मूला क्या था? फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। अब चेक कर लो, हमने शायद लिखा हुआ है इसमें, नहीं लिखा तो लिख लो, एम एल टी माइनस टू फोर्स और लेंथ का एल, सॉल्व करके क्या आएगा? एम टी माइनस टू, सरफेस टेंशन वाला सेम फॉर्मूला आता है इसका। तो क्लियर है यहां तक? तो फोर्स कांस्टेंट पता लग गया। अब इस रिलेशन में टी फॉर टाइम पीरियड टी लेफ्ट हैंड साइड आ गया, 2 पाई का कुछ नहीं राइट हैंड साइड पे एम, और के की जगह एम टी माइनस टू, एम से एम कैंसिल तो क्या बना? टी स्क्वायर। तो ऑब्वियसली ये दोनों तो सेम है नहीं, इसका मतलब ये रिलेशन इन करेक्ट है, प्रूव हो गया। नहीं बताया था, नोट कर लो, फोर्स कांस्टेंट है फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक, ये फॉर्मूला के लिस्ट में नोट कर लो फिर, फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट एक ही बात है, फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट एक ही बात है। स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा अभी। ठीक, आप दूसरा पार्ट है कि चलो ठीक है ये तो गलत है, कह रहे करेक्ट वाला फॉर्मूला बता दो क्या बनेगा। अब करेक्ट फॉर्मूले के लिए हमने किसका फॉर्मूला बनाना है? टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं? एक मास, तो मास रेज टू पावर ए, और एक फोर्स कॉन्स्टेंट रेज टू पावर बी। तो टाइम पीरियड इज सम कॉन्स्टेंट इन टू एम रेज टू पावर ए एंड के रेज टू पावर बी। टाइम पीरियड टी है, मास इसमें एम है रेज टू पावर ए, और स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है फोर्स कॉन्स्टेंट क्या? एम टी माइनस टू रेज टू पावर बी। तो एम जीरो एल जीरो टी वन इज इक्वल टू एम ए प्लस बी एंड टी माइनस टू बी। कंपेयर करते हैं तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाती है? जीरो, और यहां से माइनस टू बी क्या आ जाता है? वन। तो बी कितना आ जाएगा? माइनस हाफ। तो अगर बी को ऊपर पुट करेंगे तो ए कितना आ जाएगा? प्लस हाफ। ठीक, अब मुझे पता है इसमें वैल्यू पुट करने जा रहा हूं, टी इज सम कांस्टेंट इन टू एम की वैल्यू हाफ, के की वैल्यू माइनस हाफ। तो टी इज सम कांस्टेंट इन टू अंडर रूट ऑफ एम डिवाइडेड बाय के इज द आंसर। यही प्रूव करना था। सॉल्यूशन के अंदर ये कांस्टेंट को कैपिटल के लिखा हुआ है, मत लिखो, कांस्टेंट ही रहने दो, क्या फर्क पड़ता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14 आ गया था, 14 आंसर। ओके, चेक करता हूँ, अच्छा आंसर क्या है? ओके, एक मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ एल। तो टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन लेंथ रेज टू पावर ए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेज टू पावर बी। एक्सप्रेशन निकालो। वैसे तो मुझे पता ही है टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी, मतलब इसमें ये आंसर आना चाहिए, वही सिंपल पेंडुलम का। तो 2 पाई नहीं बोल सकता क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट डायमेंशन फॉर्मूला कांस्टेंट तो लगा नहीं सकता,
वैसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी होता है, तो बस कॉन्स्टेंट लिख देना आंसर है। एट्थ क्वेश्चन नंबर 8 में क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ विस्कस लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ कैपिलरी डिपेंड्स अपॉन द रेडियस आर डेंसिटी रो। तो क्रिटिकल वेलोसिटी जो है वी डिपेंड करती है रेडियस रेज टू पावर ए, डेंसिटी रेज टू पावर बी एंड कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी सी। तो वी इज सम कांस्टेंट इनटू आर की पावर ए, रो की पावर बी, ईटा की पावर सी। तो कर लेना, ये एल टी माइनस वन है, रेडियस तो आपका लेंथ है ही है, डेंसिटी क्या है एम एल माइनस थ्री रेज टू पावर बी, और कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी एम एल माइनस वन टी माइनस वन रेज टू पावर सी। सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, ठीक है यहां तक? इसके अलावा कोई डाउट? ठीक,